इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना 1969 में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को विकसित करने और स्पेस रिसर्च करने के उद्देश्य से की गई थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसरो का आज तक का गौरवशाली इतिहास। इसरो के द्वारा किए गए आज तक के वो मिशन जिसने देश के दुश्मनों के होश उड़ा कर रख दिए। अगर आप इसरो में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे एम एक्सप्लोर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसरो की कुछ गिनी चुनी उपलब्धियां: संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक रिसर्च जैसे विभिन्न एप्लीकेशन के लिए उपग्रहों को डिजाइन करने, विकसित करने और लॉन्च करने सहित अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जिम्मेदारी इसरो की है। इसरो ने आज तक अपने दम पर PSLV, GSLV और GSLV Mark III जैसे प्रक्षेपण यान भी विकसित किए हैं, जिनका उपयोग उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इसरो ने आज तक चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशनों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च करने के साथ साथ मार्स ऑर्बिटर मिशन सहित कई उल्लेखनीय मील के पत्थर हासिल किए हैं। इसी इसरो ने भारत को अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। इसरो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी शामिल है, जिसमें विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ डेटा साझा करना शामिल है। कुल मिलाकर इसरो ने भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। इसरो के द्वारा आज तक किए गए कुछ बेहतरीन मिशन जिसने दुनिया को भारत की असली ताकत दिखा दी। इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में कई मिशन किए हैं जिनमें शामिल हैं। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था और इसे एक्सरे खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी और वायु विज्ञान में प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था और इसे चंद्रमा की सतह और संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और इसने सफलतापूर्वक एक उपग्रह को मंगल के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया। इसी मिशन के ऊपर मार्स ऑर्बिटर मिशन नामक एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। IRNSS भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS भारत और इसके पड़ोसी क्षेत्रों के भीतर सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है। कार्टोसेट उपग्रहों की कार्टोसेट श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन के लिए डिजाइन की गई है और मानचित्रण, शहरी और ग्रामीण नियोजन और तटीय भूमि उपयोग जैसे अनुप्रयोगों के लिए उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान करती है। GSAT उपग्रहों की GSAT श्रृंखला का उपयोग संचार, प्रसारण और अन्य संबंधित अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2022 में लॉन्च किया जाना था। अब आने वाले 1-2 साल में भेजने की योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एक छोटी अवधि के मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। ये इसरो द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय मिशन है। इसरो अंतरिक्ष का पता लगाने और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नए मिशन विकसित और लॉन्च करना जारी रखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।